हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो में हम लोग बात करेंगे सिनर्जिस्टिक इफेक्ट और सिनर्जिक बॉन्डिंग की। सिनर्जिस्टिक इफेक्ट मेटल कार्बोनिल कंपाउंड शो करते हैं और ये बॉन्ड एक स्पेशल बॉन्ड है बिकॉज इसमें मेटल और कार्बोनिल के बीच में बैक बॉन्डिंग होता है। बैक बॉन्डिंग आपने सुना होगा BF3 में होता है। फ्लोरीन अपने इलेक्ट्रॉन्स बोरोन के वैकेंट ऑर्बिटल में बैक डोनेट कर देता है। इसी तरह का इफेक्ट यहाँ भी शो होता है। शुरू करते हैं। पहले हम लोग शुरू करेंगे कार्बन मोनोऑक्साइड का स्ट्रक्चर क्या होता है। कार्बन मोनोऑक्साइड का एक स्ट्रक्चर हम लोग ये बना सकते हैं या दूसरा स्ट्रक्चर हम लोग ये बना सकते हैं। दोनों में से कौन सा स्ट्रक्चर अच्छा है? ये वाला स्ट्रक्चर थोड़ा ज़्यादा बेटर है बिकॉज इससे थोड़ा ज़्यादा इन्फॉर्मेशन मिलती है। आप देख सकते हैं कि कार्बन पे नेगेटिव चार्ज आ रहा है। सो कार्बन विल हैव ए टेंडेंसी टू डोनेट द इलेक्ट्रॉन्स। कार्बन इस केस में अपने इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करने की कोशिश करेगा। अगर हम लोग कंपेयर करें ऑक्सीजन एंड कार्बन को तो कार्बन की डोनेट करने की टेंडेंसी ज़्यादा होगी। रीज़न क्या है इसके पीछे? बिकॉज कार्बन का इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम होने की वजह से इसमें डोनेशन टेंडेंसी ज़्यादा होगी। सो जब भी कार्बन मोनोऑक्साइड लाइगेंड की तरह एक्ट करेगा डोनेशन कार्बन साइड से होगा। तो आप देख सकते हैं इस तरह से कार्बन एंड मेटल के बीच में कोऑर्डिनेट बॉन्ड बन जाएगा। तो जब ये बॉन्ड बन जाएगा उसके बाद मेटल के पास ऐसे ऑर्बिटल्स भी होंगे जिनमें इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट हैं, तो ये इलेक्ट्रॉन्स मेटल कार्बन के पाई एंटी बॉन्डिंग ऑर्बिटल में डोनेट कर देगा और इससे बैक बॉन्डिंग हो जाएगी। इस बैक बॉन्डिंग के लिए मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स का होना जरूरी है। सो अगर मेटल हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, उसके डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स के अमाउंट बहुत कम है या फिर मेटल के डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स हैं ही नहीं, तो उस केस में क्या होगा कि ये बॉन्डिंग नहीं होगी और इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 3 रहेगा, इस बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर 1 ही रहेगा। कोई चेंज नहीं होगा, सिर्फ एक सिग्मा बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। बट अगर मेटल के पास इलेक्ट्रॉन्स हैं तो उस केस में क्या होगा? अगर मेटल कार्बन को इलेक्ट्रॉन्स डोनेट करेगा तो कार्बन और ऑक्सीजन बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हो जाएंगे जिससे इस बॉन्ड में डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा और इस बॉन्ड में भी डबल बॉन्ड करेक्टर आ जाएगा। सो हम लोग इसको कॉम्पैक्ट फॉर्म में ऐसे भी दिखा सकते हैं। स्टार्टिंग में क्या हुआ, मेटल और कार्बन में एक सिग्मा बॉन्ड बना जिससे मेटल पे एक माइनस चार्ज आया एंड एट लास्ट ये इस तरह से दिखाई देगा, मेटल और कार्बन के बीच में डबल बॉन्ड एंड कार्बन एंड ऑक्सीजन के बीच में भी डबल बॉन्ड। इससे फर्क क्या पड़ता है? इससे इस कार्बन और ऑक्सीजन का जो ट्रिपल बॉन्ड था वो वीक पड़ गया है और कमजोर पड़ने की वजह से इसका बॉन्ड ऑर्डर कम हो जाता है। दिस बॉन्ड ऑर्डर विल बी इन बिटवीन 3-2, मोर टुवर्ड्स 2। तो इस तरह से सिनर्जिक बॉन्डिंग होती है। सिनर्जिक बॉन्डिंग की वजह से कार्बन और ऑक्सीजन में बॉन्ड वीक हो जाता है जबकि मेटल और कार्बन के बीच में बॉन्ड स्ट्रॉन्ग हो जाता है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन प्रेस कीजिए जिससे आप इस जैसे वीडियोस और देख सकें। थैंक यू।